हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत आपका एक और नए व्लॉग में। काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं बना पा रही थी, वैसे बना रखे एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि देवर की शादी थी, इसलिए थोड़ी बिजी थी। और आज है 2 दिसंबर, तो आज का व्लॉग आप ज़रूर देखना। और आज है मेरी एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और हम जा रहे हैं श्याम बाबा के पास। इससे बड़ी जगह और कोई नहीं हो सकती, तो अभी निकलते हैं और आगे तो चलते हैं अभी। और देखना, पूरा व्लॉग देखना, मिस मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा व्लॉग देखना। एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करते हैं और कैसे बाबा के चरणों में आशीर्वाद लेते हैं, तो चलो मिलते हैं कुछ देर में। और हम पहुंच गए स्टेशन पर और हमारी ट्रेन भी बिल्कुल आ चुकी है, और अब ट्रेन में हम बैठ के जाएंगे खाटू श्याम जी के दरबार। और देखना, रास्ते का थोड़ा सा व्यू लिया था, फिर हम मैंने सीधा रिंगस का ले लिया था। हम रिंगस उतरे थे तो मैंने सब वहीं की क्लिप ऐड कर ली थी, रास्ते का और बीच भी नहीं लिया था क्योंकि खाते पीते मस्ती करते आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब वीडियो बनाई जाके ही, रिंगस जाके ही वीडियो बनाएंगे। और फिर जीजू को कैमरा दे दिया था वीडियो बनाने के लिए। और हम पहुँच गए खाटू नगरी तोरण द्वार, आप देख सकते हो। और यहाँ पहुँच के बहुत ही आनंद मिलता है। और यहाँ पहुँच के हमने स्वेटर, मैंने और दीदी ने अपनी स्वेटर भी निकाल दी थी, जीजू ने भी निकाल दी थी, ये पहन के ही नहीं गए थे। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर के लिए, तो आप देखते रहना, हमें है ना बहुत ही अच्छे दर्शन हुए मंदिर में, श्याम बाबा के बहुत अच्छे दर्शन। और जिस लाइन में हम गए थे ना, उस लाइन में इतनी हमने दर्शन कर लिए हैं और एनिवर्सरी का बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला। जीजू कैसा गिफ्ट मिला? बहुत ही बढ़िया। दर्शन कैसे हुए? मस्त, बिल्कुल हम चारों को बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया गिफ्ट मिला, हमें आशीर्वाद मिल गया आज। उसके बाद की हमने थोड़ी सी पेट पूजा, बाद में दूसरा काम दूजा, तो हमने पहले खाई थी स्वीट कॉर्न, फिर खाई गोलगप्पे। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि गोलगप्पे खा रहे थे, गोलगप्पे देख के पानी आ रहा था मुँह में, फिर आइसक्रीम खाई और थोड़ी सी वीडियो बनवाई, फ़ोटो क्लिक करवाई यहाँ पे तोरण द्वार पे, और खा पी के मस्ती करके और हम जाएंगे स्टेशन की तरफ और घर, स्टेशन से घर आके हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो आप देख सकते हो हम घर आ गए थे शाम को, हम 7 बजे घर आए थे, उसके बाद हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया था, एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट कर ली थी। और ये मेरा बेटा है तो इसने मेरे को रिंग पहनाई थी, और इसके चाचू ने तो पहना ही नहीं, इसने तो पहनाई थी। और फिर हमने सभी ने सेलिब्रेट किया अच्छी तरह से, एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और बहुत मस्ती की थी। बाद में बच्चों ने थोड़ा बहुत डांस भी किया था, वो क्लिप मैंने बनवाई थी दीदी से लेकिन दीदी ने मेरे पास भेजी नहीं तो वो ऐड नहीं कर पाई मैं, सॉरी। तो इसलिए, और बच्चों ने बहुत सारे गिफ्ट दिए, बहुत अच्छी अच्छी रिंग दी थी, बहुत सारी रिंग दी थी, अभी मेरे पास रखी है, दिखाऊंगी मैं आपको शॉर्ट वीडियो में। तो बहुत अच्छा गिफ्ट दिया बच्चों ने, दिल से बच्चों का धन्यवाद करती हूँ मैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे। तो हमने इस तरह से हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, जो कि आप लोगों के साथ मिलके और देख सकते हो आप पूरा व्लॉग, जितना भी छोटा बड़ा जितना भी बना है मैंने सभी पूरा बनाया है। और ये हमारी फैमिली है, जैसे फैमिली तो पूरी नहीं है अभी, हम कम कम है बस, जो भी थे हमने सेलिब्रेट कर लिया था और सभी थे, मेरी सिस्टर इन लॉ, जेठानी जी, सब देवरानी तो मैं ही हूँ, और एक नई आई है वो मेरी भी देवरानी है, तो मैं भी जेठानी बन गई। और अभी हम सब हैं, भाई साहब वगैरह, बच्चे वगैरह सब इधर आप देख सकते हो, हमने सबके सबने मिल के बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया था एनिवर्सरी। वैसे गिफ्ट तो हमें मिल ही चुका था श्याम बाबा के दरबार में, मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबा के दर्शन करने जाऊं और मुझे कोई गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है।
फिर मैंने मेरी बेटी के साथ थोड़ी सी वीडियो बनाई, फोटो करवाई और फिर चंचल ने भी, और ये देखो नटखट बंदरिया हमारी केक खा रही है और कितना मज़े ले लेके टेस्ट कर करके खा रही है, बहुत।